आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। राजधानी से सटे होने के बाद भी हरदोई की गिनती पिछड़े जनपदों में है। यहाँ विकास भवन सीडीओ कार्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो वहीं कूड़े का अंबार हर तरफ विकास भवन में दिख रहा है। अब जहाँ ऐसे में देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो हरदोई में शौचालय सिस्टम भी यहाँ मुँह चढ़ा रहा है। मुझे तो लगता है कि जो निधियाँ आती रही, जो अनुदान आता रहा, उस पर जरूर झाड़ू अभियान चलता रहा, सफाई अभियान चलता रहा। अब जो पैसा भेजा गया है, उसकी जांच होनी चाहिए कि सफाई अभियान का पैसा गया कहाँ। स्वच्छ भारत अभियान जैसा महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही हो, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इस तरीके का अभियान किया है और पूरे हरदोई को शर्मसार करने का कुकृत्य किया है। उन लोगों के खिलाफ जनताओं को आवाज़ उठानी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में अगर जो पुराना पैसा आया 40 सालों में जो विकास हुआ स्वच्छता के नाम पर, उसका ऑडिट हो, उसकी जांच हो, उस पैसे की रिकवरी हो और दोबारा उस पैसे से विकास कराया जाए। कानपुर के अकबरपुर में प्रशासन ने बाट माप और पुलिस टीम के साथ पेट्रोल पंप पर सघन चेकिंग अभियान को चलाया, तो वहीं घटतौली और मिलावट की शिकायत बीते लंबे समय से मिल रही थी। इस छापेमारी में कमी मिलने पर कार्रवाई की बात को भी कहा गया। कानपुर में इन दिनों आग का कहर देखने को मिल रहा है, तो रसूलाबाद के सिंहपुर में दो घरों में आग लग गई, तो घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें दमकल ने आग पर काबू पाया। पाकिस्तान के विरोध में बुलंदशहर में पाकिस्तान खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कैंडल मार्च को निकालकर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी गई, तो वहीं केंद्र सरकार से नक्सलियों और पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। गाजियाबाद में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के कर्मियों ने नगर निगम में भूख हड़ताल शुरू कर दी, तो नगर आयुक्त सुनों ने वेतन वृद्धि की मांग की। इसी के साथ मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात को भी कहा गया। मथुरा के गोवर्धन में उस समय सनसनी फैल गई जब बहन को उसके ससुराल से लेकर मायके आ रहे भाई को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू की है। एक व्यक्ति की यहाँ बॉडी एक इस गांव में बली गोवर्धन थाना क्षेत्र में, ये बताते हैं ये डीक का रहने वाला है। कोसी से अपनी बहन को लिवा के डीक जा रहे थे मायके से, गाड़ी में बैठे इनको कामा तक वहाँ गए, फिर कामा से लगभग 4:30 बजे अपने घर से ये वहाँ कोसी से चले थे। और आज सुबह एक पुलिस को सूचना मिली 4 बजे कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की लाश मिली, मौके पर पुलिस आई है जाँच कर रहा है। वृंदावन को मथुरा में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर लगातार विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, तो इसी के चलते परिक्रमा मार्ग में संतों ने प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी, साथ ही सरकार के विरोध में उतरकर प्रदर्शन भी किया। श्रावस्ती के गौना में 5 पीरान शहर पर चल रहे 3 रोजा उर्स का समापन हो गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, तो वहीं बाहर से आए हुए लोगों ने मेले का आनंद भी उठाया, तो वहीं मुशायरे का आयोजन देर रात किया गया। पेट्रोल पंपों पर घटतौली और मिलावट की सूचना पर प्रशासन ने इंजीनियरों की टीम के साथ नगर के पंपों की जांच की, जिसमें पंप मालिकों में हड़कंप मच गया, तो साथ ही पंप पर कमी पाए जाने पर कार्रवाई की बात को प्रशासन द्वारा कहा गया। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी पेट्रोल पंप पर घटतौली की शिकायत पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। यहाँ पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक टीम ने छापेमारी की और 2 पंपों की सघनता से जाँच की, तो कमी मिलने पर कार्रवाई की बात को भी कहा। कि यूपी में आप देख ही रहे हैं, यूपी में सभी पेट्रोल पंपों की छानबीन की जा रही है, वहाँ पे चिपें मिली हैं, घटतौली की काफ़ी शिकायत मिली है, तो उसी के संदर्भ में आज जो है देहरादून से एचपी के सेल्स ऑफिसर आ रखे हैं, तो उनके साथ एक जॉइंट हमने चेकिंग अभियान चलाया है वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के साथ लेके। उसी के तहत जो है कुमार फिलिंग स्टेशन और गीता फिलिंग स्टेशन अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, और सभी जो यूनिट है डिस्पेंसिंग यूनिट है उनके पल्सर यूनिट में शिकायत आ रही है कि उसमें चिप के साथ टेम्परिंग की गई है या सर्किट के साथ टेम्परिंग की गई है, तो उनको सभी जगह खोल खोल के देखा जा रहा है। अभी तक हमको कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि जो जिसमें पल्सर यूनिट के साथ टेम्परिंग। पिरान कलियर के गेस्ट हाउस में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर आगामी मुस्लिम सम्मेलन की जानकारी दी, तो देश भर से यहां पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शिरकत करेंगे। इस दौरान यहां मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार भी लोगों को संबोधित करेंगे। हमारी बैठक होने जा रही है यहाँ पिराने कलियर शरीफ में, जिसमें हमारे देश भर से लगभग 500 से अधिक
डेलीगेट्स आएंगे जिसमें हमारे मुद्दा है तालीम रोजगार तरक्की और हुनर को बढ़ावा देने पर हम लोग वहाँ पे सबसे पहले विचार करेंगे। दूसरा है एक साथ ट्रिपल तलाक, इस विषय को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। गौ संवर्धन के माध्यम से स्वावलंबी समाज बनाए इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अयोध्या विवाद के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दंगा दहशत नफरत हिंसा मुक्त भारत बनाने के लिए उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और पाकिस्तान के जो अवैध कब्जा है कश्मीर के अंदर उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये सब चर्चा करके इसके ऊपर रेजोल्यूशन तैयार करेंगे और रेजोल्यूशन तैयार करने के बाद पूरे देश के अंदर यहाँ के हम चर्चा को पूरे देश में हम करेंगे और पूरे आपके माध्यम से पूरे देश में पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।